हाय एवरीवन, आयुष महाराज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे, ऐसे क्वेश्चन पे बात करेंगे, ऐसे कंसेप्ट की बात करेंगे जिस पे अक्सर आपको कन्फ्यूजन रहता है। और ये आप देखते हैं कि साइन ऑफ 90 डिग्री मीन्स पाई बाय 2 इज 1, कॉस पाई बाय 2 इज 0, साइन 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा, एंड कॉस 90 प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, एंड सिमिलरली आप कास्ट के लिए भी देख सकते हैं। एक्चुअल में है क्या, आज हम लोग इसी की बात करेंगे। तो आप देखिएगा थोड़ा सा, एक छोटा सा ये सर्कल, एक यूनिट सर्किल की बात करते हैं। और इसमें दिस इज पी एंड से दिस इज एम एंड दिस इज ओ, दिस एंगल इज थीटा, सही, दिस एंगल इज थीटा। तो थीटा एंगल है, तो जैसे साइन को डिफाइन किया गया तो साइन को लिखा गया कि साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएम अपॉन ओपी, दिस इज ओपी। और अगर इसे हम लोग एच का नाम दे दें, पी का नाम दे दें परपेंडिकुलर, और इसे एच का नाम, तो हो जाता है पी अपॉन दिस एच। और आप देखिएगा जैसे थीटा यहां ले आए आप, तो भी एच सेम रहेगा बट ये परपेंडिकुलर लेंथ बड़ी हो जाती है। जैसे आप थीटा यहां ले आए, एच तो सेम है, एच रेडियस ही है, यूनिट सर्किल ये चेंज होता। सिमिलरली जैसे आप थीटा को बड़ा करके यहां से यहां तक ला दिए, तो एच तो सेम है बट पी क्या हुआ, बदला। अब थीटा को बड़ा करके यहां ले आइए, ये एच तो सेम रहा, ये एच है बट दिस इज पी। अब आप इसको ले चलिए एच पी, आप यहाँ ले चलिए थीटा, इतना बड़ा कर दीजिए, ये पी ये एच। इसका मतलब आप ये करें कि साइन डिपेंड्स ऑन पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेक दिस एज एक्स एक्सिस, दिस एज एक्स एक्सिस, this as y axis, above x axis distance is positive, तो x axis के ऊपर, x axis के ऊपर जो आप distance लेते हो क्या होता है, positive होता है। तो x axis के ऊपर distance positive होता है, और ये जो distance है pm यही perpendicular है। तो x axis के ऊपर means theta जब आप vary करते हैं, और थीटा इस तरीके से आप बैरी कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखिएगा कि थीटा इतना, फिर ये, फिर ये, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इस तरीके से चलते चलते आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक। तो जैसे आप इसको पाई करेंगे, फिर परपेंडिकुलर लेंथ क्या होती है, जीरो हो जाती है। लेकिन जैसे पाई प्लस थीटा करेंगे, ये अब ये हो गई, ये निगेटिव हो जाती है। तो जब जब साइन के बेस पे जो फंक्शन होगा, सिंस साइन डिपेंड्स ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइज अबव एक्स एक्सिस साइन ऑफ थीटा इज पॉजिटिव, एंड व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइज बिलो एक्स एक्सिस साइन थीटा इज नेगेटिव। दिस इज व्हाई साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड, साइन थीटा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसीलिए पॉजिटिव होता, क्योंकि जैसे आप ट्रेवल करते हैं, ये यही तो है ना, सॉरी आप ये देखिएगा, हम लोग इसकी बात करें कि दिस इज यूनिट सर्किल। तो जैसे आप थीटा यहां से आए, ये थीटा, ये थीटा, तो थीटा आते आते पाई, तो जब तक पाई नहीं होगा, जैसे पाई पे आएंगे फिर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ तो जीरो हो गई, रिड्यूस टू जीरो। लेकिन जब इसके नीचे आएंगे तो फिर ये निगेटिव होने लगती, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगी, यहाँ आएंगे तो ये लेंथ होगी, ऐसे थीटा घूम के यहाँ आया निगेटिव, अब यहाँ आप आ गए तो भी लेंथ निगेटिव। तो तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ में साइन ऑफ थीटा इज निगेटिव सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइज बिलो एक्स एक्सिस, बट इन फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज अबव एक्स एक्सिस एंड देन
पॉजिटिव मीन्स प्लस में आप इसकी वैल्यू लेते हैं, और जैसे इस पे होगा एक्स एक्सिस पे होगा साइन का मान जीरो हो जाएगा। तो व्हेन व्हेन थीटा लाइज ऑन एक्स एक्सिस साइन ऑफ थीटा इज जीरो, आपने इसको पढ़ा, एंड व्हेन थीटा लाइज ऑन वाई एक्सिस कॉस ऑफ थीटा इज जीरो, ये दो चीजें आपने पढ़ी होंगी। और कॉस क्या होता है, बेस पे डिपेंड करता, आप देखिएगा आराम से, कॉस कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही है ना, साइन परपेंडिकुलर अपॉन दिस, कॉस बेस अपॉन दिस। और इसीलिए जब आप टैन लिखते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये लिख देते हैं। इट मीन्स व्हाट, कॉस डिपेंड्स ऑन दिस बेस, बेस पे डिपेंड करता। अब जैसे बेस पे डिपेंड कर रहा तो आप देखिए ये बेस, ये जिसको आप लिख रहे हैं, दिस इज बेस। तो जैसे आप देखिए जब वाई एक्सिस से आप राइट में हैं तो क्या होगा, बेस इज पॉजिटिव। तो जैसे आप वाई से राइट होंगे तो बेस पॉजिटिव होगा, और वाई से निगेटिव होंगे तो बेस निगेटिव होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, वाई एक्सिस से लेफ्ट और वाई एक्सिस से राइट। तो जब जब एंगल वाई एक्सिस के राइट पड़ेगा, वाई एक्सिस से इस साइड पड़ेगा, उस समय क्या होगा, बेस पॉजिटिव होगा एंड कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। तो कॉस थीटा इसीलिए फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, बट बेस यहाँ निगेटिव है इसलिए सेकेंड और थर्ड में कॉस क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी, टैन थीटा की। तो टैन क्या है, दिस साइन अपॉन कॉस, और साइन पी पे डिपेंड करता है, कॉस बी पे डिपेंड करता है। यहां पे देखिए फर्स्ट और सेकेंड में पी पॉजिटिव है लेकिन सेकेंड में बी निगेटिव है, सेकेंड में इसमें तो है ही पॉजिटिव, दोनों है तो इसमें दोनों पॉजिटिव है बट सेकेंड में बी निगेटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन थीटा निगेटिव होगा। अब थर्ड में आइए, आप थर्ड में आएंगे तो पी भी निगेटिव हो जाता है, इन थर्ड पी इज लेस देन जीरो एंड बी इज लेस देन जीरो, तो जब दोनों लेस देन जीरो हैं इसमें तो टेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अब आप इसमें आएंगे, जब इसमें होंगे तो क्या होगा, बी तो पॉजिटिव है बट पी क्या है, बिलो एक्स एक्सिस, तो निगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में टेन थीटा फिर क्या होगा, लेस देन जीरो। तो दूसरे में और चौथे में टेन थीटा निगेटिव होता, पहले और तीसरे में पॉजिटिव होता। तो सिंस साइन डिपेंड्स ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज वाई व्हेन थीटा लाइज अबव एक्स एक्सिस मींस बिटवीन जीरो टू पाई देन साइन ऑफ थीटा इज पॉजिटिव, एंड व्हेन थीटा लाइज इन पाई प्लस टू टू पाई माइनस, पाई प्लस से लेके टू पाई माइनस के बीच में आता है, उस समय साइन निगेटिव हो जाएगा। एंड कॉस डिपेंड्स ऑन बेस, इसलिए कॉस बेस पे डिपेंड करता, तो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा बट दूसरे और तीसरे में कॉस निगेटिव होगा। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और जैसे ही थीटा इस वाई एक्सिस पे आएगा कॉस का मान जीरो होगा, और साइन अगर थीटा इस रियल एक्सिस पे आ गया, एक्स एक्सिस पे आ गया, तो साइन का मान जीरो हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मीन साइन जीरो, साइन पाई, साइन टू पाई, साइन थ्री पाई, साइन फोर पाई, साइन माइनस पाई, माइनस टू पाई, साइन ऑफ माइनस थ्री पाई, ऑल आर दिस जीरो। तो व्हेन थीटा लाइज ऑन रियल एक्सिस साइन ऑफ थीटा इज जीरो। किसी ने बड़ी अच्छी चीज कही कि साइन ऑफ मेरा पाई, तेरा पाई, उसका पाई, इसका पाई, सबका पाई इज जीरो। तो व्हेन थीटा लाइज ऑन रियल एक्सिस साइन थीटा इज जीरो, व्हेन थीटा लाइज ऑन वाई एक्सिस कॉस थीटा इज जीरो। तो आई थिंक आप अब क्लियर हुए होंगे।
बट जो है हम लोग बात करेंगे इस पे कि कब ऐसा होता है कि साइन पाई बाई टू का मान वन क्यों हो जाता, साइन ऑफ पाई बाई टू इज वन। आप ध्यान से देखिए, अगर इसकी बात कर रहे हैं, ये थीटा है, ये टी एम ओ, तो साइन थीटा इज पी एम अपान ओपी। तो जैसे जैसे आप थीटा को आप बढ़ाएंगे, जैसे थीटा बढ़ा के यहां कर दिया, थीटा यहां से ले आए, यहां इस पे किया, तो अब ये लेंथ हो गई पी डैश एम डैश। तो यहां पे आप देखेंगे पी डैश एम डैश इज ग्रेटर देन पी एम, बड़ा हुआ, और ये तो सेम ही रहेगा, ओपी दोनों में सेम है, एंड हियर ओपी डैश इज ओपी। अब थीटा को फिर बड़ा करिए, आप ले गए यहां ऐसे, दिस इज पी डबल डैश, दिस इज एम डबल डैश, तो पी डबल डैश एम डबल डैश इज ग्रेटर देन पी डैश एम डैश इज ग्रेटर देन पी एम, एंड ओ पी डबल डैश इज सेम एज ओ पी डैश इज सेम एज ओ पी, एंड दिस एच मीन्स रेडियस वन, वन के बराबर है, एच है ये हाइपोटेनस। तो अब जैसे जैसे आप थीटा को बड़ा कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, जैसे जैसे आप थीटा को बड़ा कर रहे हैं, मीन्स थीटा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वेन थीटा टेंस टू पाई बाई टू, उस समय जो पी एम है टेंस टू ओपी, टेंस टू, और जैसे ही एज थीटा इज पाई बाई टू पी एम बिकम्स ओपी, ये ओपी के बराबर हो जाता, एंड दिस इज वाई साइन ऑफ पाई बाई टू इज पी एम अपॉन ओपी, एंड दिस इज ओपी बाई ओपी, एंड दिस इज वन। तो साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री इज वन, आपने देखा इसको कि कैसे साइन ऑफ 90 डिग्री ये वन हो रहा है ना, दिस इज पी एम, पी एम अपॉन ओपी, ओपी अपॉन ओपी, दिस इज वन। तो साइन ऑफ 90 मीन्स पाई बाई टू इज वन, सिमिलरली कॉस ऑफ पाई बाई टू इज जीरो। आप देखिए इसको, कॉस ऑफ पाई बाई टू इज जीरो, उसका रीजन आप देख लीजिए ज्योमेट्रिकली, ये थीटा परपेंडिकुलर, बेस ये रहा, अब थीटा बड़ा किया, यहां किया, बेस खिसका, छोटा हुआ, थीटा बड़ा किया, बेस और छोटा हुआ, अब बेस इतना रह गया, थीटा बड़ा किया, थीटा इतना लेके चले गए, अब परपेंडिकुलर बेस ये रहा, तो बेस धीरे धीरे छोटा होता है, तो एज थीटा टेंस टू पाई बाई टू जो बेस है वो क्या हो गया, बेस मीन्स हम लोग जो ओ एम की बात कर रहे थे उस समय, ओ एम टेंस टू जीरो। तो जैसे थीटा टेंस टू पाई बाई टू, ओ एम टेंस टू जीरो, और कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो जब बेस ही जीरो पे चला जाएगा तो अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट, जीरो, दिस इज व्हाई कॉस पाई बाई टू इज जीरो। सिमिलरली यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एवरी थीटा, मीन्स थीटा बिटवीन जीरो टू टू पाई, व्हाट अबाउट साइन 90, कॉस 90, टेन 90, आप देख सकते हैं कि टेन 90 इन्फिनिटी, बट फ्रॉम विच साइड, अगर ये प्लस से गया 90 के पास तो प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, और अगर माइनस से गया तो, सॉरी, पाई बाई टू पे अगर इन माइनस से गया तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन अगर ये प्लस से चला गया तो फिर माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, और हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।